हाल ही में आप सभी ने ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य केस के बारे में जरूर सुना होगा। पति पत्नी के बीच का ये विवाद कब हर रोज की हेडलाइन बन गया पता नहीं चला, लेकिन इस सब के बीच एक सवाल उठ रहा है। अगर आलोक मौर्य को ज्योति के अफेयर के बारे में साल 2020 में ही पता चल गया था तो कंप्लेंट लिखाने साल 2022 में क्यों पहुंचे? इस सवाल के जवाब के लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड जानना होगा। आपको बता दें कि सन 2020 में जब ज्योति मौर्य कौशाम्बी में पोस्टेड थी, तब एक दिन आलोक मौर्य उनसे मुलाकात करने पहुंचे उनके सरकारी आवास पर। उन्होंने ज्योति के फोन में कुछ पोस्ट देखे, जिसके बाद वो खफा हो गए और वहां से चले गए। कुछ दिन बाद जब आलोक मौर्य एक बार फिर उनके निवास पर पहुंचे, तब उन्होंने ज्योति को उनके आशिक के साथ पकड़ा, जिसके बाद वो आग बबूला हो गए। अब हम आते हैं अपने सवाल पर। 2020 में जब आलोक मौर्य ने कंप्लेन फाइल करने की कोशिश की तो ज्योति SDM बन चुकी थी और कमांडेंट साहब भी पुलिस में थे, जिसके चलते दोनों का दबाव कुछ ऐसा था कि आलोक मौर्य कंप्लेन फाइल नहीं करा सके। पहले जरा आलोक मौर्य को सुनिए। चार दिन पहले ज्योति मौर्य ने फोन पे कहा है कि जो तुम ये सब करवा रहे हो कुछ फायदा नहीं होगा, मैं बड़े पद पे हूँ। हाल ही में फिलहाल ये मामला मीडिया में आ गया और खुद आलोक मौर्य कैमरे पर आ गए और अपना दुख बयां किया। लेकिन अब लोग भी इस मामले को लेकर दो गुट में बंट चुके हैं। एक जो आलोक मौर्य के खिलाफ है और उसको वो अपना व्यक्तिगत जीवन सबके सामने लाने पर उसकी आलोचना कर रहा है, और दूसरा जो ज्योति के खिलाफ है और उसको बेवफा और धोखेबाज बोलकर आलोक मौर्य के लिए इंसाफ मांग रहा है। खैर, इस पर आप किसको समर्थन दे रहे हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।